इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया की एक स्पेस एजेंसी है। यू आर ऑन स्माइल आईएएस यूट्यूब चैनल, आवर टैग लाइन इज वीर भोगे वसुंधरा, मीन्स दोज हु आर हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस दे कैन अचीव एनीथिंग व्हाट एवर दे वांट इन देयर लाइफ। ये एक सैटेलाइट का पिक्चर है, आप देख सकते हो। इंडिया का जो सब पहला सैटेलाइट था उसका नाम था आर्यभट्ट। ये एक फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर के नाम पे रखा गया था। इसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 फ्रॉम कापुस्तीन यार, ए सोवियत रॉकेट में। ओके, ये जो जगह का नाम है ये भी सोवियत यूनियन में उस समय था। ओके, इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। ऑर्गेनाइजेशन आप थोड़ा देख सकते हो इसरो के, ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड हियर स्पेस कमीशन, जहाँ पे ढेर सारे सेक्रेटरी लोग होते हैं। ओके, ये एक ऑटोनॉमस बॉडीज है। ओके, स्पेस से ही रिलेटेड है। और ये जो है फॉरेन नाम मीन्स, जैसे किसी देश को अपना सेटेलाइट भेजना है या किसी कंपनी को अपना भेजना है तो उनको इन्हीं कंपनियों से आके बात करना पड़ेगा। ओके, और ये इसरो हो गया, और ये इसके ढेर सारे डिपार्टमेंट टाइप आप समझ सकते हो और उसी के पार्ट हैं इसरो के ही। इसमें क्या होता है, एक सेटेलाइट को बनाने में कई चीजें होती है। सो कुछ काम ये करते हैं जैसे डिजाइनिंग बनाने काम हो गया, उससे इसको कई भागों में बांट दिया गया है और उसी को डिफरेंट इसमें बोला गया। ओके, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज द स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टू हार्वेस्ट द बेनिफिट ऑफ आउटर स्पेस फॉर इंडिया एंड एंड मैनकाइंड। इसरो इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट द इंडिया स्पेस प्रोग्राम प्राइमरी थ्रू द वेरियस सेंटर और यूनिट विद इन द इसरो। जो भी हम यूनिट की बात कर रहे थे ये सारे यही है। इसरो, इसके बारे में थोड़ा सा हम हिस्ट्री को जान लेते हैं। ये इसरो पहले कोई इसरो जैसा नहीं था। उससे पहले 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च को बनाया गया था। इसी स्पेस रिसर्च को बनाया गया था, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1962 में सेटअप किया था। ओके, ये डॉक्टर जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इनविजन किया था। ओके, इसरो को वो एक्चुअल बनाया गया था, फाउंड अगस्त 15, 1969 एंड इसको सुपरसीड कर लिया गया, ये जो पहले कमेटी बनाया गया था इनकोस पर। ओके, यही सेम है। विथ एक्सपैंड इट्स रोल टू हार्नेस द स्पेस टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वॉज सेटअप एंड इसरो वॉज बॉट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन 1972। उसके बाद क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया गया 1972 में और वो इसरो को उसी के अंडर में लाया गया। प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इसरो इज डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस नेशनल नीड। नेशनल नीड जैसे क्या हो गया, जैसे अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को मेजर करना है पूरा फॉरेस्ट को, तो हम कैसे करेंगे, हम सेटेलाइट के थ्रू ही करते हैं। और जैसे हमें मेट्रोलॉजी, जैसे हमको वेदर और साइक्लोन इन सब के बारे में जो कैसे पता चलता है, इसी के द्वारा हमें पता चलता है। और जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल इंटरनेट चलाते हैं, हाई स्पीड से चलाते हैं, सो ये सब सारे इसी में होते हैं। ओके, ये सब सारे नेशनल नीड है। जैसे डिफेंस के लिए, जैसे अब डिफेंस के लिए चाहिए, डिफेंस का क्या है, जैसे नेविक हो गया, उससे जीपीएस से आप ग्राउंड पे क्या पिक्चर चल रहा है उससे पता चलेगा। उसके अलावा जैसे मिसाइल चलाना है, कहीं पे चलाना है, तो एटलीस्ट उस स्थान का अगर आपको पोजीशन क्लियर नहीं है तो मिसाइल का यूज नहीं हो पाएगा। सो ये सब के लिए किया जाता है। टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव इसरो हैज एस्टेब्लिश्ड मेजर स्पेस सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विस।
रिसोर्स मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, स्पेस बेस्ड नेविगेशन सर्विस, इसरो हैज डेवलप्ड ए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी, ये अभी तक सबसे सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल है पीएसएलवी। ये जीएसएल एक्चुअली ये जो पीएसएलवी है कम वेट वालों के लिए, कम वेट का जो सैटेलाइट है उसको उससे भेजाता है, और जीएसएलवी जो है ये जो ज्यादा वेट का होता है तो हम इसके लिए बनाया गया है जीएसएलवी मार्क 3 जो इस समय यूज किया जा रहा है टू प्लेस द सैटेलाइट इन द रिक्वायर्ड ऑर्बिट। अलोंग साइड इट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसरो कंट्रीब्यूट टू साइंस एंड साइंस एजुकेशन इन द कंट्री, वेरियस डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन फॉर रिमोट सेंसिंग, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, एटमोस्फेरिक साइंस एंड स्पेस साइंस इन जनरल फंक्शन अंडर द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ओके, स्पेस ओन्स लूनर इंटरप्लेनेटरी मिशन अलॉन्ग विद द अदर साइंटिफिक प्रोजेक्ट, इनकरेज एंड प्रमोट द साइंस एजुकेशन अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल डेटा टू साइंटिफिक साइंटिफिक कम्युनिटी विच इन टर्न इनरिच द साइंस। जैसे इसरो का खुद का इंस्टीट्यूट है, अभी केरला में खोला गया है, स्पेस के लिए अलग से इंजीनियरिंग जैसा कोर्स ही है उसमें भी तो, और जैसे ये लोग बच्चों को भी प्रमोट वो कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि आप भी इसमें वो कर सकते हो, कुछ अपना सेटेलाइट कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहो तो कर सकते हो, सेटेलाइट बनाने में या कुछ आपकी इच्छाएं हैं, कुछ आप दिमाग में सोच रहे हो ऐसा होना चाहिए तो आप हमें बताओ। सो इन सब चीज के लिए गवर्नमेंट और इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसको बढ़ा रहा है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है इसरो का? ऑपरेशनल फ्लाइट ऑफ पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड एसएसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन। जैसे अभी स्पेसएक्स का आपने अभी सुना होगा, तो जैसे उसके वो अपने सैटेलाइट से आदमी को भी भेज रहा है, जो अभी इंडिया के पास कैपेबिलिटी नहीं है, जो भी इंडिया डेवलप कर रहा है। उसके अलावा स्पेसएक्स भी अब चीप, जैसे हम लोग सैटेलाइट बहुत सस्ते में यहाँ से स्पेस में भेज रहे हैं ना, तो स्पेसएक्स भी अब हमसे भी ज़्यादा सस्ते में बेचेगा, क्योंकि वो रीयूजेबल है, वो यहाँ से जाएगा फिर वहाँ से वापस भी आएगा तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो इस वजह से इसलिए इंडिया भी अब इस चीज में और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश कर रहा है। थर्ड इज डिजाइन डेवलपमेंट एंड रियलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन की बात है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड रियलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, डेवलपमेंट ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, नेविक जान ही रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट फॉर स्पेस साइंस एंड प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। जैसे अभी वो मार्स पे गया था, मून पे अभी भेजा गया था जो लैंड नहीं कर पाया, अभी इसीलिए चंद्रयान 3 बनाया जा रहा है। अर्थ ऑब्जर्वेशन एप्लीकेशन, स्पेस बेस्ड सिस्टम फॉर सोसाइटल एप्लीकेशन, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज एंड न्यूअर इनिशिएटिव, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एजुकेशन, जो भी एजुकेशन किया जा रहा है स्कूल लेवल पे भी इसको प्रमोट किया जा रहा है, प्रमोशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलपमेंट फॉर स्पेस रिसर्च, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो मतलब सस्ते सैटेलाइट को भेजने के लिए तो उसमें कॉपरेट किया जा रहा है, और जहाँ पे नॉलेज शेयर करना है वहाँ पे नॉलेज शेयर किया जा रहा है इंटरनेशनल कॉपरेशन, कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इमिनेटिंग फ्रॉम द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन ऑफ इंडियन प्राइवेट फर्म इन द स्पेस सेक्टर। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी कहा है आप भी आओ, क्योंकि इसको और सस्ता प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा बेटर कर सकता है। सो जैसे उस सैटेलाइट डेवलपमेंट में, जैसे कुछ जो जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, जैसे छोटे लेवल पर सैटेलाइट तो बनाया जा सकता है, जैसे व्हीकल भले आप इसरो का यूज कर लो, सो इसमें प्राइवेट सेक्टर को लाया जाए, जैसे आप नासा भले अमेरिका में है लेकिन अब स्पेसएक्स ज़्यादा से ज़्यादा उसका काम कर रहा है, सो कॉस्ट इफेक्टिव आने वाले समय में और कॉस्ट इफेक्टिव होना पड़ेगा। सम इम्पॉर्टेंट सक्सेसफुल मिशन एंड प्रोडक्ट। ओके, आप ये देख सकते हो चंद्रयान 2 सबसे इम्पॉर्टेंट मिशन था, चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2,
कुछ इसमें से ऑब्जेक्टिव अचीव भी हुआ, कुछ नहीं हुआ। जैसे चंद्रयान 2 में लैंड नहीं हो पाया। अब लैंड होने के बाद रोवर काम करता कि नहीं करता वो चलता कि नहीं, सो इसमें छोटा सा भी एरर प्रॉब्लम कर सकते हैं। मार्स मिशन ये सबसे ज्यादा फॉरेन मीडिया में दिखाया जाने वाला मिशन था, क्योंकि किसी देश ने पहले प्रयास में आज तक किसी देश ने नहीं भेज पाया था, और इतना सस्ते में कोई देश नहीं भेज पाया था जो इंडिया ने कर पाया। ये एक, क्योंकि उन फॉरेन मीडिया अगर आप देखोगे तो उनका कहना था कि इंडिया जैसा गरीब देश थर्ड वर्ल्ड कंट्री मार्स पे मिशन सेंड कर रहा है उनका ऐसा। उसके अलावा नेविक, ये एक प्रकार से इंडिया का जीपीएस सिस्टम आप बोल सकते हो। ओके, अभी हम लोग जीपीएस यूज कर रहे थे, जीपीएस जो है वो यूएसए का है। ओके, ये नेविक हमारा इंडिया का है। इससे हम एक एक्चुअली इसको बनाने का जरूरत ये पड़ा क्योंकि हम लोग जैसे वार में थे 1999 में, जब पाकिस्तान के साथ वार में थे, तो उस समय क्या हुआ था, इंडिया ने मांगा था जीपीएस का हेल्प कि वो लोग कहाँ हैं, मतलब उनको, तो अमेरिका ने डायरेक्टली मना कर दिया था उस समय देने से। तो उस समय से ही ऐसा था कि हम लोग को भी अपना डेवलप करना है, और फिर हमने इसको 2013 में लॉन्च करना शुरू किया। ओके, हम इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, फ्यूचर स्पेस मिशन, स्पेस साइंस मिशन। ओके, जो अभी चंद्रयान 2 अगले 1 साल या 2 साल में लॉन्च होगा। ओके, ये चंद्रयान 3 इज द फॉलो ऑन मिशन, क्योंकि चंद्रयान 2 में क्या हुआ था कि उसके लैंड पे लैंड नहीं कर पाया था। ओके, कनेक्शन बीच में ही हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। तो चंद्रयान 3 फॉलो ऑन मिशन टू चंद्रयान 2 टू डेमोस्ट्रेट द एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन द सेफ लैंडिंग एंड रोवरिंग ऑन द लूनर सरफेस। ओके, आदित्य L1 ये भी फ्यूचर मिशन है। ये क्या चीज है, आदित्य L1 शैल बी द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी सन, सन को स्टडी करने के लिए। ओके, गगनयान है, गगनयान प्रोजेक्ट इनविसेज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इस समय ह्यूमन को ले जाने के लिए ज्यादा हो रहा है। अभी कई जैसे कई देश अभी जो बड़े 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 बिलीनियर थे वो लोग अभी गए घूमने, करीब 150-200 करोड़ रुपए लग रहा था पर पर्सन। तो इसको और सस्ता बनाया जाए, इंडिया में चीप लेबर है तो इसको सस्ता बनाना आसान है अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, और इसी फील्ड में हम इसको डेवलप करने जा रहे हैं। आने वाले समय में, आने वाले 5 से 10 सालों में लोग स्पेस पे, स्पेस टूरिज्म भी होगा, लोग घूमने जाएंगे स्पेस में, देखने जाएंगे कैसा स्पेस है। कैपेबिलिटी बाय लॉन्चिंग क्रू ऑफ 3 मेंबर, इसमें 3 लोग अभी जो जाएंगे। ओके, 400 किलोमीटर तक जाएंगे ऊपर। ओके, वहां 3 दिन बिताएंगे। उसके लिए अभी बहुत ढेर सारा चीजें पे रिसर्च चल रहा है, बनाया जा रहा है, कई टेक्नोलॉजी अभी नहीं है तो उसको किया जा रहा है। ओके, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय लैंडिंग इन द इंडियन सी वाटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा इसमें आपको एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो आदित्य है तो ठीक है, ये L1 का क्या मतलब है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, थैंक यू।